नमस्कार। अवसर हमेशा कठिनाइयों के बीच ही छुपे होते हैं, तो अगर आपको इस समय लग रहा है कि वक्त बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, पता नहीं आप क्या कर पाएंगे, तो ये आपकी सोच सही नहीं है। इसी समय ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे जब आप अपनी जिंदगी को एक नया, एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं। चाहिए बस अपने दिमाग पर आपका नियंत्रण, और नियंत्रण मिलता है सही सोच से, और सही सोच आपको देते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो आपके तारे में आज भी हैं आपके साथ। सर बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। तो सबसे पहले ज्योतिष गुरु पंचांग जान लेते हैं कि दिन के बारे में क्या कहता है पंचांग, फिर दिन को समझेंगे अलग अलग राशि के लिए आपसे। आज 19 मई 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है शाम 5:32 तक, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि। रेवती नक्षत्र है शाम 7:53 तक, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में, और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे शाम 7:53 पर। आज पंचक समाप्त हो रहे हैं शाम 7:53। और यहां से शुरू होता है खेल राशियों का और आपके मार्गदर्शन का। देखिए, ज्योतिष कोई चमत्कार की विद्या नहीं है। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी को बदल देने का दावा करती है। ज्योतिष आपको बताता यह है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को प्लान करें, कैसे अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करें, ताकि आप जिंदगी को अपने ढंग से जी पाएं। और ये सब कुछ आपके कर्मों से ही मुमकिन हो पाता है। तो भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बनाना आपको आपके तारे का मकसद है और ज्योतिष का मकसद है। तो मेष वृषभ, आज के कर्म क्या हो ध्यान से। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही, जिसमें दो अहम चीजें आपके हित में बनती चली जा रही। एक तो आपकी मेहनत नजर आ रही है, जिसके लिए अपने भरोसे को जगाना होगा, और दूसरा आपके अपनों का साथ और सहयोग नजर आ रहा है, जिसके चलते आपको रिश्तों को और सुधारना होगा। क्या करना चाहिए इस संबंध? हालात इसलिए सुधर रहे हैं क्योंकि काम और कारोबार को फिर से संभालने का समय आ रहा है। थोड़ा बहुत असमंजस अभी भी रह सकता है, जिसके चलते आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। फिर भी अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हुए लाभ होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रेरणा भी जगी रहे। कुछ नया सीखने के लिए वैसे भी आपने अपने समर्पण को बनाए रखा है, जो बहुत अच्छी बात है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत फैसले करना ठीक नहीं हो, इसलिए आपको स्थिरता बनाए रखने की अहमियत को समझना पड़ेगा। किसी ऐसी बहस में भी ना पड़े जिसके चलते आपसी संबंधों में फासले बनने शुरू हो। वृषभ राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे मौके हैं, जिसमें अपनों का ख्याल रखना भी शामिल, और साथ ही साथ अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर सकती है। क्या करना चाहिए समय? अपने विचारों को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा, ताकि आप लोगों की बात को समझ भी सके। अपने बड़े बुजुर्गों के विचारों को इस रूप से अहमियत दें कि आप उनके तजुर्बे से अपनी जिंदगी के रास्ते को सुखद बना सकें। क्या ना करें इस समय? पैसे से जुड़ी आपकी चिंताएं बहुत हैं, पर उसका बहुत बड़ा वाजिब कारण ये भी है कि आपने अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में गलतियां भी की, और इस समय कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें जिसमें कोई आपका गलत फायदा उठाता चला जाए। तो कोई आपका गलत फायदा ना उठा पाए, इसलिए ऐसी कोई स्थिति बनने मत दीजिएगा। थोड़ा सतर्क रहेगा, सब ठीक रहेगा। बाकी हम हैं आपको सतर्क करने के लिए। सवाल एक लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल जिनका है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1990, मुंबई में जन्म हुआ है, और बर्थ टाइम 8:52 रात का। शादी थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रही है, और जो इनके पति हैं वो अब इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते से निकलने का मन बना रहे हैं, जैसा कि पत्नी का कहना है। आप क्या कहेंगे इसे? आरती, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की मई 2021। शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ, आपकी कुंडली भी ऐसा दर्शा रही है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि किसी भी शादी को बचाने के लिए हर व्यक्ति को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। थोड़ा सा ऐसा एक अपना व्यवहार ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें आपसी तालमेल हो, और आपकी कुंडली तो ये कह रही है आरती जी कि आपकी ओर से भी गलतियां रही हैं। उन गलतियों को समझिए पहले, तभी तो उनको दूर कर पाएंगे। वैसे भी इस बात को याद रखिए कि कोई भी रिश्ता भरोसे पे टिका हुआ, अगर भरोसे में कमी आ जाए तो किसी भी रिश्ते को संभालना मुश्किल है। तो आपको उन सभी कमियों को दूर करना है, उसके लिए मेहनत भी लगेगी, कोशिश भी लगेगी, ये सब कुछ आपको करना है, तब जाके ये बात होगी।
थोड़ा भरोसा बढ़ाना है, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी इस रिश्ते पर, चीजें ठीक हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क अब आपके लिए, ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं। तो सर कैसा दिखाई देता है मिथुन और कर्क के लिए आपको आज का दिन, और ये क्या करें और क्या ना करें? मिथुन राशि वालों की पारिवारिक परिस्थितियां इस रूप से बनती चली जा रही हैं जिसमें कोई ना कोई तकरार भी बना हुआ है। आपने भी रिश्तों को संभालने में अपनी ओर से बहुत सारी कमियां रखी, जिसके चलते किसी भी हालात को समझने में आपकी ओर से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं जिसमें सवाल आपके ऊपर उठ रहा है। क्या करना चाहिए संबंध? लोगों की इच्छाओं के अनुरूप चलना मुश्किल, इसलिए आप अपना रास्ता चुनना चाह रहे हैं, पर हर रूप से आपको किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि कामकाज के प्रति भी थोड़ी सी और लगन बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें समय? काम और कारोबार से जुड़े दबाव को संभालने के लिए खुद को सक्षम बनाना होगा, पर ऐसा करते हुए आपको अपनी कोशिशों को सही दिशा में भी लगाना होगा। बहुत सारे ऐसे भटके हुए विचार हैं जो आपके हित में नहीं बन पा रहे, इसलिए भी लोगों के खिलाफ अपना रास्ता बनाते चले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। कर्क राशि वालों ने कई तरह की परेशानियों के बावजूद अपने हालात को समझने की कोशिश की और आपकी आर्थिक स्थिति इस वजह से संभली हुई, पर मन में बिठाई हुई घबराहट का असर यह हो रहा है कि आपको अपने हालात भी चुनौती भरे ही लग रहे हैं। थोड़ा सा अपना भरोसा बनाए रखने से और अपनी मेहनत को जगाए रखने से लाभ हो सकता है। क्या करना चाहिए समय? आपके आसपास के लोग आपको अच्छे लग सकते हैं, पर काम या कारोबार में किसी भी तरह की पार्टनरशिप से फिलहाल आपको बचना होगा, क्योंकि उसमें विचारों के मतभेद बने रहने का अंदेशा है। इसलिए भी कोई फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? सिर्फ लाभ का सोचेंगे तो पैसे से जुड़े अपने कर्तव्य निभाना मुश्किल होता चला जाएगा, इसलिए उन प्राथमिकताओं को भी समझना होगा जो लोगों के प्रति आपके लिए बनी हुई। किसी प्यार के रिश्ते को संभालना भी इस समय आसान नहीं है, पर तकदीर के भरोसे चलने से भी कुछ हासिल होने वाला है। तो तकदीर के भरोसे नहीं, तदबीर के भरोसे चलना होगा। तदबीर मतलब आपके प्रयास, आपकी मेहनत, इस पर भरोसा कीजिए आप। ज्योतिष गुरु, अब सिंह और कन्या की बात कर लेते हैं, तो इनके लिए कैसा देखते हैं आप दिन को, और इनके लिए खास क्या है, यानी क्या करें और क्या ना करें? सिंह राशि वाले समझ लें कि काम या कारोबार में पैसा लगता चला जाए ये तो बहुत हद तक संभव है, पर उससे लाभ कमाना और लाभ निकालना शायद इतना आसान नहीं, इसलिए आपके मन में पैसे से जुड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? कुछ तो मुश्किलें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही दूर होती, लेकिन कुछ मुश्किलें हम अपने गलत फैसलों की वजह से बढ़ाते चले जाते हैं। आप तो अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि लोगों की भावनाओं को समझने में आपकी ओर से कमी रही है। संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या ना करें समय? भरोसा टूट जाए तो किसी भी चीज को संभालना मुश्किल होता है, और रिश्ते तो वैसे ही बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। पहले से अपने मन में दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों से जुड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कन्या राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी सूझबूझ नजर आ रही है, फिर भी आपको अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने की जरूरत पड़ सकती है। काम और कारोबार में कोई बड़ा फेरबदल करने से लोगों की नाराजगियां बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? कुछ भी नया सीखने के लिए लगातार जूझना होगा। कई चीजें नियमित हो जाने से भी संभल जाती हैं, क्योंकि हर रोज आप उस दिशा में थोड़ा बहुत योगदान दे पाते हैं। ऐसे में हर छोटा कदम भी आपको सही दिशा में ले जा सकता है। क्या ना करें समय? लोगों के विचार अगर बार बार बदल रहे हैं तो इस बात को लेकर परेशान ना होते चले जाए, और ना ही आप लोगों की गलतियां निकालनी शुरू कर दें। मुश्किल समय में रिश्तों को संभाले रखना वैसे भी आसान नहीं होता। बहुत सही और बहुत बड़ी बात कि जब वक्त मुश्किल हो तो रिश्तों को संभालना बहुत आसान नहीं होता है। मुश्किल वक्त में रिश्तों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, रिश्तों पर ज्यादा सहेजना पड़ता है रिश्तों को। ज्योतिष गुरु अगला सवाल ले रहे हैं, और अगला सवाल हमारे सामने आता है, इनका नाम है, नाम नहीं लिखा है शायद जी, डेट ऑफ बर्थ है 28/1992, रात में 12:35 यानी AM इनका जन्म हुआ है, गोमोह झारखंड। जॉब कब तक लगेगी, किस फील्ड में लगेगी, ये आपसे जानना चाहते हैं। शादी कब तक हो सकती है? तो फील्ड में मतलब इन्होंने कुछ लिखा तो है नहीं कि उन्होंने पढ़ाई क्या की है, कैसे ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जॉब कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी, अपना घर कब तक बनेगा?
आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा भी चल रही है बुध की अप्रैल 2021 तक। कब तक जॉब लगे मुख्य सवाल, क्योंकि सारी की सारी चीजें जिंदगी की इसी पे टिकी हुई होती है। मई जून 2021 में अच्छा समय है जब आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन ये प्रयास जो आपको लगातार करना होगा और कुछ नया सीखने की जो इच्छा है उसे बनाए रखना होगा, तभी जाके देखिए जिंदगी में इंसान आगे बढ़ पाता। जहां तक आपने शादी का पूछा, तो 2021 के अंत तक यानी नवंबर दिसंबर 2021 तक कोशिश करें तो आपकी शादी हो सकती है। तो मई जून 2021 में आपकी जॉब लग रही है और उसके बाद नवंबर दिसंबर 2021 में आपकी शादी का समय है, तो ये दोनों समय है और होना भी जिंदगी में ऐसे ही चाहिए। पहले जॉब, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। ज्योतिष गुरु, हम भी आगे बढ़ते हैं और तुला वृश्चिक, इनके बारे में बता दीजिए कैसा है दिन, क्या है खास, क्या करें या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए हालात उतने अनुकूल नहीं है जितने की आप उम्मीद लगा रहे, इसलिए आपको लगता है कि तकदीर ने भी आपका पूरा साथ नहीं निभाया। फिर भी रोजमर्रा की मुश्किलें हो सकती हैं जिन्हें बहुत धैर्य से संभाला जा सकता है। क्या करना चाहिए समूह, अपनी जानकारी को बेहतर करना और अपनी काबिलियत को निखारना बहुत जरूरी है, और आपके अंदर वो सारी अच्छाई है कि आप रिश्तों में हर तरह का सुधार ला सकते। निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए आपको अपने पैसे को संभाल के चलाना होगा, क्योंकि आपकी उत्तेजना की वजह से फैसलों में गलती हो सकती है। क्या ना करें इस समय, ऐसे लोगों को नाराज ना करते चले जाएं जिनकी आपकी जिंदगी में अहम भूमिका है। ना तो कामकाज में अपना उचाट मन उचाट करें और ना ही घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों को आलोचना की नजर से देखें। वृश्चिक राशि वालों को कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी में सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जबकि आपकी मेहनत का फायदा कोई और ही उठा रहा है। जब भी लोगों के विचार प्रबल हो रहे हैं आपके आसपास, तो ऐसा सोचना स्वाभाविक सी बात हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह, जिंदगी का खेल ही कुछ अजीब, कभी कभी लोगों से हाथ मिला के चलना ही पड़ता है और खुद को इस रूप से ढालना पड़ता है जो आपसी संबंधों को संभाले रखे। क्या ना करें इस समय, ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही और आपको ही सब कुछ आता है, जबकि सच्चाई है कि आपकी जानकारी में कमी आई है और उसे सुधारने में भी हाल में आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी की करनी चाहिए। जिंदगी की प्राथमिकताओं को समझना इस समय बहुत जरूरी है। तो जिंदगी की प्राथमिकताओं को समझना बहुत जरूरी है और इस समय ये और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त थोड़ा अलग है। अपनी प्रायोरिटीज हमें तय करनी होगी कि पहले क्या करना है और कैसे करना है। आगे ज्योतिष गुरु, धनु और मकर राशि, इनके लिए आज का दिन दिखाई कैसा दे रहा है और किन किन बातों से सतर्क रहने की आप सलाह देंगे? धनु राशि वाले ही समझ लें कि अगर व्यवहार में कमी आ जाए तो रिश्ते भी कमजोर पड़ते चले जाते हैं। इस चीज का बुरा असर यह होगा कि कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों से तालमेल बनाए रखना मुश्किल हो जाए। इसमें सुधार लाना है तो उसकी शुरुआत आपको खुद अपनी ओर से और आज से ही करनी है। क्या करना चाहिए समय, खुद को सही साबित करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को गलत साबित कर दें, जबकि ये समय किसी भी विचार विमर्श में तालमेल बनाए रखने का। उसके लिए आपको लोगों की बात सुननी होगी और लोगों के विचारों को समझना होगा। क्या ना करें इस समय, रिश्तों को संभाले रखना है तो पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले लेना। पैसे के लेन देन में भी कोई ऐसी स्थिति ना उभरने दें जो आपके रिश्तों को कमजोर करती चली जाए। मकर राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें जरूर हैं, पर हालात फिर भी संभले हुए। कामकाज को बढ़ावा दिया जा सकता है और अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को हटा के अपने प्रदर्शन को भी बेहतर किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समूह, खुद पे भरोसा भी उतना ही करें जो लोगों को अच्छा लगे और जिसके चलते आप लोगों से जुड़ पाए। अपने व्यवहार को भी ऐसा बना लें जिसमें लोगों के प्रति मधुरता भी बनी रहे। क्या ना करें इस समय, किसी यात्रा का फिलहाल विचार ना बनाएं, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करता चला जाए। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें जल्दबाजी करते चले जाना इस समय ठीक। देखिए, कई सारे फैसले जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनमें जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं होती है। जल्दबाजी में हम कुछ गलत कर बैठते हैं, फिर बाद में अफसोस होता है। तो ये अफसोस ना हो, इसीलिए हम आपको पहले से तैयार कर देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा है आज का दिन और कैसे जीना है इन्हें, क्योंकि अपने कर्मों से ही आप अपना कल बनाने वाले। तो आज कैसे जीना है ये जानना जरूरी है। कुंभ राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए
रिश्तों को भरोसे की नजर से देखना होगा। किसी प्यार के रिश्ते को भी समझने के लिए थोड़े से ज्यादा ही प्रयास करने होंगे, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए समझ, खर्चों को भली भांति संभालने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को समझना, क्योंकि खर्चों का दूसरा नाम नुकसान भी होता है, इसलिए भी अपनी बचत को बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी हो जाएगा। सिर्फ पैसा जुटाते चले जाने से हालात बेकाबू हो सकते, क्या ना करें इस समय में। आमदनी के साधन ऐसे होने चाहिए जिसमें आप पैसे की कदर कर सकें, और किसी भी प्रयास में आपकी अपनी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि आप खुद पे गर्व कर सकें। आपकी ओर से बनती हुई लापरवाहियां इस समय ये दर्शा रही हैं कि आप पैसे की कदर नहीं कर पा रहे, और उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। मीन राशि वालों की ओर से मेहनत तो बनती चली जा रही पर उससे पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। लोग भी आपकी सहायता कर रहे हैं पर आप इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, तो बहुत सारी कमियां आपकी ओर से भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए समय, आमदनी के साधन ठीक बने हुए हैं लेकिन बचत को बचाए रखना कठिन हो सकता है। भावुकता से फैसले करते चले जाने से भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिन्हें सुधार लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय, लोगों को इस रूप से नाराज ना करें कि उसका बुरा असर आपके काम पर या काम से जुड़े लाभ पर पड़ता चला जाए। अच्छी बात यह है कि जो लोग पहले आपके खिलाफ थे अब वो भी आपकी मेहनत को समझ पा रहे हैं। फिर भी कामकाज के क्षेत्र में कोई ऐसा उतार चढ़ाव न बनने दें जिसमें तकदीर आपका पूरा साथ न निभा पाए, इसलिए हर हाल में जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर लें। तो इस समय सबसे जरूरी है कि आप जिंदगी की स्थिरता स्टेबिलिटी बनाए रखें, स्थिरता भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाती है। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है ये जानने का कि जैकपॉट में किस राशि के लिए क्या खास इशारा निकल कर आने वाला है आज के लिए। धनु राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि रिश्ते किसी ना किसी तरह के विश्वास पर टिके हुए होते हैं, जिसे बनाए रखने के लिए लोगों को समझने की भी जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है जिस ओर आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके रिश्तों में वो अच्छाई बन पाएगी जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हैं। और इसी के साथ वक्त आ गया है ज्योतिष गुरु से आज के लिए इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और ढेर सारी जानकारियां, ढेर सारी तैयारियां हम सब तक पहुंचाने के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल अब वक्त आपसे भी इजाजत लेने का है, लेकिन याद रखिएगा जो हमने शुरू में कहा था कि मुश्किलों के बीच ही अवसर छुपे रहते हैं। तो अगर ये दौर आपको मुश्किल लग रहा है तो इस मुश्किल हालात में अवसरों की तलाश करना शुरू कर दीजिए। अवसर दिखाई भी देने लगेंगे और जिंदगी का एक लक्ष्य भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल ईमेल आईडी नोट कीजिए सवाल भेजने के लिए, आपके तारे @aajtak.com। कोई भी सवाल हो हम तक भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ वेबसाइट www.aajtak.in/tare। कल होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।